क्रोशे 3D फ्लावर पैटर्न। ये पैटर्न आप टेबल क्लॉथ, बेबी ब्लैंकेट, टेबल मैट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो बेसिक स्क्वायर जो है वो हम पैटर्न है हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने फ्लावर बनाना है, फिर इसके बाद हम इसकी बेस बनाएंगे। आपने जो चीज़ बनानी है उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा ये पट्टियाँ बनाएंगे और फिर इसके बाद इनको अटैच करेंगे। सबसे पहले हम आपको फूल बनाने का तरीका बताते हैं। आप सबसे पहले लूप बनाएंगे, 4 लूप्स, और इसके बाद 1 चेन बनाकर सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इस रिंग में आपने 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। आप इस रिंग को की बराई कर लेंगे सिंगल क्रोशे की मदद से। ये रिंग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वरना आपका पैटर्न सही नहीं बनेगा। 12 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद स्लिप स्टिच की मदद से हमने दोनों साइड को अटैच कर दिया। अब हमने 1 चेन बनाई और अब हमने एक हाफ डबल क्रोशे बना दिया। इसी तरीके से आप इसके सेकंड राउंड बनाते जाएंगे। सेकंड राउंड में आपने हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन आपने 16 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 16 हाफ डबल क्रोशे से आप इस तमाम रिंग को भर लेंगे। ये देखिए हमने 16 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। अब हम स्लिप स्टिच की वजह से दोनों साइड को कनेक्ट कर देंगे। हमने एक चेन बना दिया उसको सिक्योर करने के लिए। अब हम तार को काट लेंगे और इसको बैक साइड पर ले जाके इसको खींच लेंगे ताकि आपका रिंग थोड़ा सा गोलाई में बने। देखिए रिंग को आपने इस शेप में बना लेना है, ये इसका बिल्कुल मिड है। अब इस पर हमने आप पेटल्स बनाने हैं। पेटल बनाने के लिए हमने रेड थ्रेड यूज़ किया है। अब हम सबसे पहले तारों को अटैच कर लेंगे। तार को सिक्योर करने के लिए हम इसको चेन में बंद कर रहे हैं ताकि आपका थ्रेड खुले ना और आपकी बुनाई सिक्योर हो जाए। यहाँ पे हमने 6 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 चेन बना लेंगे। इसके बाद 1 राउंड 2 एंड 3 राउंड आप क्रोशे से तार को लपेटेंगे और इसी स्टिच में आपने इसको बना लेना है। ये वन स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 थ्री स्टेप्स में आप इसको बना लेंगे। अब इसको हम बंद कर लेंगे। 1 चेन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 9 चेन बना लेंगे हम। 1 राउंड 2 राउंड्स एंड 3 राउंड्स क्रोशे से तार को लपेट कर यहाँ पर हमने बनाया था। अब हम इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हमने इसी तरह का TDC बना लेना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब यहाँ पे हम एक और इसी तरह का 1 राउंड 2 राउंड एंड 3 राउंड पैटर्न्स को कंप्लीट करने के लिए इसी स्टिच में हमने 1 राउंड 2 राउंड एंड 3 राउंड एक पैटर्न हमने बना दिया। अब एक साथ अब हमारे पास 3 चेन्स हैं, उनमें से हमने चेन को गुजार लिया है और हमारा लीफ की शक्ल में पैटर्न बन गया है। अगेन हमने 9 चेन्स बनानी है। 7, 8 एंड 9 1 राउंड 2 एंड 3 नीचे आपने एक स्किप करना है। 1 स्किप करने के बाद नेक्स्ट में आपने पैटर्न बनाना है। हमने टोटल 16 हाफ डबल क्रोशे बनाने थे और यहाँ पे अब हम टोटल 8 पैटर्न्स बनाएंगे। अपनी 1 स्किप करने के बाद हमारे पास टोटल हमने 8 पैटर्न्स बनाने हैं इसी पैटर्न पर। ये 3 तारों से हम उसको गुजार लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 9 चेन्स बनाने के बाद आपने 1 स्किप करनी है। यहाँ पर हमने बनाया था, हर बार हम 1 स्किप करें। 1 स्किप करने के बाद नेक्स्ट में आपने पैटर्न बना लेने हैं। 1, 2 एंड 3
वन टू थ्री, थ्री स्टेप्स, वन टू एंड थ्री। अब तीनों को हम तार से गुजार लेंगे और अगेन हम नाइन चेन्स बना लेंगे। इसी पैटर्न पर आपने हमने फोर पैटर्न्स बना लिए हैं, आपने फोर और चार और बना लेनी है और टोटल आपने एट लीव्स या पैटर्न्स आपके पास बने होने चाहिए। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। अब हमने नाइन चेन्स बनानी है। अब हम लास्ट जो है पार्ट उसको अटैच कर रहे हैं इसके साथ। पहला जो लीफ हमने बनाया था इसके यहाँ पर हमने क्रोशे को आपने इंसर्ट कर देना है और स्लिप स्टिच की मदद से साइड को अटैच कर लेना है। अब हमारा फूल काउंट कंप्लीट हो गई है, हमने वन चेन बना ली है। अब हम पहले पेटल की तरफ आते हैं, यहाँ पर इस लीफ की तरफ हम आएंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन हाफ डबल क्रोशे हमने यहाँ बना लेने हैं। इसके बाद हम वन चेन बना लेंगे। अब अगेन तार को हम लपेट लेंगे और इसके जो लेफ्ट साइड पर हम लीफ के लेफ्ट साइड पर जाएंगे और अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसी पैटर्न पर चलते हुए हमने नाइन हाफ डबल क्रोशे यहीं पर बनाने हैं। अब हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट कर दिया। हमने टोटल नाइन हाफ डबल क्रोशे यहाँ पर बनाने हैं। नाइन हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद हम वन चेन बनाएंगे। ये नाइन हाफ डबल क्रोशे हो गए। ये देखिए हमारे पेटल्स के राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स बना दिए हैं। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच की मदद से साइड को कनेक्ट कर देंगे और वन चेन बनाएंगे और ये हमारा फर्स्ट पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम इसकी बैक साइड पे जाएंगे और यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे बनाने स्टार्ट कर देने हैं। यहाँ पे हमने नाइन हाफ डबल क्रोशे उसी पैटर्न पर बनाने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, नाइन हाफ डबल क्रोशे वन चेन। अब हम दूसरे पेटल की तरफ आते हैं। इसके पहले आपने लेफ्ट साइड पर बुनाई करनी है और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे बना लेने हैं। वन टू, यहाँ पर आपने टोटल नाइन हाफ डबल क्रोशे बना लेने हैं बिल्कुल इसी प्रीवियस लीफ के पैटर्न पर। नाइन हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब हम वन चेन बना लेते हैं और इसके राइट लीफ की या पैटर्न की राइट साइड पर हम आ रहे हैं और यहाँ अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, नाइन हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब हम स्लिप स्टिच की मदद से दोनों लीफ के पैटर्न के साइड्स को कनेक्ट कर रहे हैं और वन चेन हम बना लेंगे। अगेन हम पीछे जाएंगे बैक पे और यहाँ पर हम इसी पैटर्न पे चलते हुए नाइन हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। इसके बाद वन चेन बनाते हुए हमने थर्ड लीफ की पैटर्न पर चले जाएंगे। इसी पैटर्न पर चलते हुए आपने सर्कुलर फॉर्म में इसी तरह हाफ डबल क्रोशे बनाते जाना है और अपना लीफ जो है इसकी भराई कर लेनी है। देखिए हमारा थर्ड लीफ है। इसी पैटर्न पर नाइन नाइन हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। बैक साइड पे भी नाइन हाफ डबल क्रोशे और आप पूरा लीफ की बनाई कर लेंगे। देखिए पैटर्न इस तरह से सर्कुलर शेप में बनता जाएगा और आपने एंड तक आप इसी तरह से इसकी भराई कर लेनी है। देखिए हमने इसकी भराई कर ली है इसी पैटर्न पर चलते हुए। अब एंड पे आके हम लास्ट पैटर्न को कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने स्लिप स्टिच की मदद से कनेक्ट कर दिया, फिर वन चेन बनाई और अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। नाइन हाफ डबल क्रोशे हम बनाएंगे। वन, ये देखिए यहाँ पर हमने नाइन हाफ डबल क्रोशे बना लेने हैं। फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। अब हम साइड्स को
कनेक्ट कर देंगे इसको, जो फर्स्ट पेटल है उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे और हमारा लिप कंप्लीट हो। यहाँ पर अब हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से लगा दिया है और अब हमारा तमाम लिप फिक्स हो गया है और इसकी बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब हम वन चेन बना लेंगे अपने थ्रेड को सिक्योर करने के लिए। इसके बाद हम तार काट लेंगे और इसको बैक साइड पर ले जाके इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। तार को आपने सिक्योर ज़रूर करना है वरना आपकी बुनाई खुल जाएगी। इसको बैक साइड पर ले जाकर अच्छी तरह से आपने बंद कर लेना है। आप इसको सुई धागे की मदद से भी बंद कर सकते हैं और क्रोशे की मदद से भी बंद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड को आप काट लेंगे ताकि उसमें सफाई पैदा हो। देखिए हमारा लिए 3D लीफ कंप्लीट हो चुका है। इसी पैटर्न पर चलते हुए आपने फ्लावर बना लेने हैं 3D फ्लावर। जितना पैटर्न आप बनाना चाहते हैं आप अपने फूल बना लें। हमने रेड कलर का यूज़ किया है, आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं और इसको एक कलर में भी बना सकते हैं। अब हम इसकी बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए बैक साइड पर ले जाके हमने लाइट ग्रीन कलर को अटैच कर दिया है फर्स्ट पेटल के साथ और 4 चेन्स बना ली है। अब हम 1 पेटल को स्किप करेंगे और इसके बाद फर्स्ट के बाद 3rd पेटल में हमने इसको अपने बुनाई को बनाना है। यहाँ पर देखिए हम सिंगल क्रोशे की मदद से अपने चेन बना लगा लेंगे। अगेन 1, 2, 3 एंड 4 4 चेन बना लेंगे और 4th पेटल को हम स्किप करेंगे और 5th पेटल पर जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने अपना तार फिक्स कर दिया है। अब 1, 2, 3, 4 हमने बना लिए हैं। यह पेटल हम इसी तरह स्किप करेंगे और नेक्स्ट पेटल पर जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे की मदद से फिक्स कर लेना है। अगेन 4 चेन्स बनानी है। अब लास्ट पर आ गए हैं हम। हमने 4 कॉर्नर्स का एक पैटर्न बनाना है। लास्ट पे आके हमने सिंगल क्रोशे की मदद से इसको अटैच कर दिया है। 3 चेन्स हमने बना ली हैं और इसी पॉइंट पर हमने अपना फर्स्ट कॉर्नर बनाना है। और 3 चेन्स हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद हमने एक डबल क्रोशे और बना लिया है। इसके बाद 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशे यानी 2 डबल क्रोशे 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशे का हमारा कॉर्नर का पैटर्न होगा। इसके बाद 1 चेन बना लेने के बाद साइड पे हमने 2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अगेन हम सेकंड साइड पर आ गए हैं, सेकंड कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ हमने इसी पैटर्न पर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 एंड 2 2 डबल क्रोशे 1, 2 एंड 3 3 चेन और इसी स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। ये हमारा सेकंड कॉर्नर हो जाएगा 1 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे। इस पैटर्न पर चलते हुए आपने चारों साइड्स बना लेने हैं। अब 1 चेन यहाँ पे आके 2 डबल क्रोशे 1 एंड 2 1 चेन और डबल क्रोशे 1, 2 डबल क्रोशे 1, 2, 3 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशे 1 एंड 2। इसी तरह से अब साइड पे आ गए हैं। 1 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशे इस तरह से हम 4 कॉर्नर बना लेंगे और 4 साइड्स बना लेंगे। हम लास्ट पे आ गए हैं जहाँ हमने 3 चेन्स बनाई नहीं थी वहाँ पर अपने स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको अटैच कर देंगे और हमारे साइड्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगेन हमने स्लिप स्टिच लेते हुए इसके बीच में आना है और यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया और 3 चेन्स। इसके बाद हम एक और डबल क्रोशे बना लेंगे 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशे 1 एंड 2। इसके बाद 1 चेन और यहाँ पे साइड पे आके हमने एक डबल क्रोशे बना लिया है 1 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे। इसके बाद 1 चेन और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे
वांछित। इस तरह हर बार आपका पैटर्न इसमें इंक्रीज होता जाएगा। इसमें साइड्स पर आके एक टू डबल क्रोशे का पैटर्न बढ़ता जाएगा। कॉर्नर सेम रहेंगे, कॉर्नर पर आपने उसी तरह से टू डबल क्रोशे, थ्री चेन्स और टू डबल क्रोशे बनाना है। थ्री चेन्स और अब टू डबल क्रोशे और बनेंगे। साइड्स पर हर बार एक एक पैटर्न बढ़ता जाएगा। वन चेन, उस तरह से ये वन बार पैटर्न था, सेकंड बनाए में टू पैटर्न, फिर हर बार एक एक पैटर्न बढ़ता जाएगा और आपका जो स्क्वेयर शेप पैटर्न है वो बढ़ता जाएगा। ये देखिए हमने तकरीबन इसकी थ्री रोज बनानी है। आप स्लिप स्टिच की मदद से स्लिप्स लेते हुए हम इसके बीच में आ जाएंगे और बीच में आके अपना कॉर्नर उसी तरह उसी पैटर्न पर बना लेंगे। थ्री चेन्स और टू डबल क्रोशे, वन चेन, टू डबल क्रोशे, वन एंड टू, वन चेन, वन डबल क्रोशे एंड टू, वन चेन, वन डबल क्रोशे एंड टू, वन चेन, टू डबल क्रोशे, थ्री चेन, वन टू थ्री, वन टू डबल क्रोशे, वन वन टू। इसी तरह से आप अपना स्क्वायर पैटर्न बढ़ाते जाएंगे हर बार। ये साइड्स हैं इसकी, वन टू थ्री एंड फोर, फोर साइड्स हैं, फोर कॉर्नर्स हैं और इसके भी साइड्स हैं, वन टू एंड थ्री। देखिए इस पैटर्न पर आपने इसको बनाना है। ये इसकी फोर कॉर्नर्स हैं, ये साइड्स हैं, वन वन टू थ्री, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ये हमने उसी पैटर्न पर बना लिया है। देखिए इसकी फोर साइड्स हमने बना ली है, एक वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री एंड फोर फाइव, ये फोर कॉर्नर्स हैं और ये साइड्स हैं, वन वन एंड टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। इस तरह से हमारा स्क्वायर शेप पैटर्न रेडी हो गया है। इस तरह के आप पैटर्न बना लेंगे। हमने टू पैटर्न बनाए हैं और अब हम आपको इसको कनेक्ट करने का तरीका बताते हैं। ये देखिए हम दोनों साइड्स को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। जहाँ से हमने अपनी बुनाई ख़त्म की थी वहाँ पर हमने टू चेन्स बनानी है और अब यहाँ पे आके एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम दोनों साइड्स को अटैच करेंगे। अगेन हमने टू चेन्स बना ली और स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशे की मदद से इसको अटैच कर देंगे। इस तरह आप साइड्स को अटैच करते जाए, टू चेन और वन स्लिप, टू चेन्स एंड वन स्लिप, वन टू, टू चेन्स एंड वन स्लिप। वन टू, टू चेन्स एंड वन स्लिप, वन एंड टू, टू चेन्स एंड वन स्लिप। इसी तरह से आप दोनों साइड्स को कनेक्ट कर देंगे।
जी हमारे दोनों साइड्स कनेक्ट हो गए हैं और हमारा खूबसूरत फ्लावर पैटर्न रेडी हो चुका है। इस तरह से आपने बहुत सारे पैटर्न बना लेने हैं। अगर आप हैंड बैग बनाना चाहते हैं या फ़ोन पाउच बनाना चाहते हैं तो उसी तरह से आप इन पैटर्न को बढ़ाते जाएंगे और इनको अटैच करने के बाद अपने मतलूबा शेप में इसको ले आएंगे। आप इससे टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं, टेबल मैट्स बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं। ये एक ऑल पर्पज़ पैटर्न है देखने में बहुत। अब हम आपको इसके बीच में बीड लगाना सिखाएंगे। बीड लगाने के लिए आपने सिंपल सुई धागे की मदद से इसको बीच में लगा लेना है और हमारा खूबसूरत फ्लावर पैटर्न आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है, 3D पैटर्न और 3D फ्लावर आप देख सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत कलरफुल लगता है। आप इसको फ्लावर्स को एक कलर में और इसकी बेस को सेम दूसरे कलर में बना सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लावर्स को डिफरेंट कलर्स में भी बना सकते हैं और बेस को भी डिफरेंट चेंज कलर में बना सकते हैं। ये आपके अपने चॉइस पर है। पैटर्न को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पैटर्न ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।